सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं Xiaomi Redmi Note 5 और Xiaomi Redmi Note 5 Pro के बारे में। तो इन दोनों ही फ़ोन का फुल स्पेस लीक होकर सामने आ गया है, जो कि कंफर्म यही स्पेस होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको Xiaomi Redmi Note 5 में क्या क्या स्पेस देखने को मिल जाएगा और Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको क्या स्पेस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को याद ही होगा कि जो Xiaomi Redmi 5 Plus में आपको जो स्पेस देखने को मिलता है, सेम आपको Xiaomi Redmi Note 5 में देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से आपको Xiaomi Redmi Note 5 में मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, आपको Redmi Note 5 में भी वही देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 625 यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। दो वेरियंट के साथ ये फ़ोन आएगा, 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB। यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा का ही सेटअप देखने को मिलेगा बैक में, जो कि होगा 12 MP का, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 5 MP का फ्रंट कैमरा। 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, एंड्रॉइड के नुगट के साथ आएगा और MIUI 9 के ऊपर ये फ़ोन बेस होने वाला है। तो ये फ़ोन Xiaomi Redmi Note 5 है, जो कि चाइना में Redmi 5 Plus के नाम से भी बिकता है। तो Xiaomi Redmi 5 Plus ही या इंडिया में Xiaomi Redmi Note 5 होने वाला है। अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 5 Pro की। तो Xiaomi Redmi Note 5 Pro में सबका ध्यान यही होने वाला है कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको क्या देखने को मिलता है, जो कि फुल स्पेस लिखो के सामने आ गई है कि आपको Xiaomi Redmi Note 5 Pro में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 18:9 स्क्रीन एक्सपर्ट के साथ आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, आजकल एक ट्रेंड ही बन गया है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 636 का चिपसेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB यहाँ पर दो वेरिएंट होंगे, आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको मिल जाएगा डुअल कैमरा का सेटअप, जो कि आपको बिल्कुल ही iPhone 10 का लुक देने वाला है। आपको मिल जाएगा 12 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा। तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि आपको iPhone 10 की तरह लुक देने वाला है। आपको बिल्कुल ही iPhone 10 का लुक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो आपको 20 MP का यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 20 MP का फ्रंट कैमरा, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि Xiaomi से एक शिकायत हमेशा रही है, वो तो फ़ोन काफ़ी अच्छा बनाता है लेकिन उसका जो कैमरा होता था वो पहले हमें ठीक नहीं होता था। आप लोगों को पता है कि Xiaomi Redmi Note 4 में आपको कैमरा उतनी अच्छा देखने को मिल रहा था नहीं मिल रहा था, जो कि अगर मैं बात करूँ तो MIA 1 में भी आपको फ्रंट कैमरा उतना अच्छा देखने को नहीं मिला था। लेकिन आपको Xiaomi Redmi Note 5 Pro में मिल जाएगा 20 MP का फ्रंट कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। कल इस दोनों डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, तो बहुत दिनों से वेट था इन दोनों ही डिवाइस का, तो कल ही फाइनली आ जाएगा। एंड्रॉइड नुगट के साथ आएगा, जो कि MIUI 9 के ऊपर बेस होने वाला है। फिंगरप्रिंट का सेंसर यहाँ पर आपको बैक में मिलेगा दोनों ही फ़ोन में। और जो इस फ़ोन की एक हाईलाइट फीचर्स ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है, और इसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, एक मिलेगा 12 प्लस 5। तो देखते हैं कि कल Xiaomi Redmi Note 5 का प्राइस क्या होता है और Xiaomi Redmi Note 5 Pro का भी प्राइस क्या होता है, ये दोनों ही बात देखने वाले होगी। मैं जहाँ तक आइडिया से बात करूँ तो Xiaomi Redmi Note 5 की पहले लगभग 12,000 या फिर 11,000 हो सकती है, और जो 5 Pro आएगा उसकी पहले लगभग 13,000-15,000 हो सकती है। वो तो देखने वाली बात होगी, कल हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सारे स्पेस लिखों के सामने आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी पहुँच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।